हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 860 प्रॉब्लम सी कैंडी स्टोर। ठीक है, तो पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे और फिर इसका कोड देख लेंगे। जो इसका कोड, एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट और अप्रोच समझ में आ जाएगी तो इसका कोड करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो बस अब देख लेते हैं इसका कैसे हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे और इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कुछ कि आपको एन कैंडीज आपको दी गई हैं। ठीक है, एन कैंडीज, एन टाइप की कैंडीज आपको दी गई हैं। तो ए वन टाइप का, जैसे मान लीजिए वन टाइप की कैंडी है, ठीक है, टू टाइप की कैंडी है, ए टू, थ्री टाइप की है, और इस तरह से सो ऑन ए एन। ठीक है, तो अब क्या है ये ए वन क्या है, ए टू क्या है, ये है कि आपकी फर्स्ट टाइप की कैंडी का जो काउंट है कितना, मतलब कितना प्रेजेंट है, ए वन प्रेजेंट है, सेकंड टाइप की कैंडी कितनी है, ए टू है, और थर्ड टाइप की ए थ्री है, और सो ऑन, ए एन जो है एनथ टाइप की इतनी कैंडी आपके पास प्रेजेंट है। तो अब क्या है कि आपको बी वन दिया जाएगा, बी वन, बी टू, बी थ्री, सो ऑन, इस तरह से बी एन। अब ये क्या बता रहा है कि आपका जो ए वन फर्स्ट टाइप की कैंडी है, वन टाइप की कैंडी है, वन टाइप की कैंडी है, तो उसका कॉस्ट एक कैंडी का, वन कैंडी का कॉस्ट कितना है। ठीक है, वन कैंडी का कॉस्ट कितना है। तो इस तरह से बी टू बताएगा कि ए टू सेकेंड टाइप की कैंडी का एक कैंडी का कॉस्ट कितना है, बी टू है, इसी तरह बी थ्री का ये बताएगा। तो अब प्रॉब्लम आपको क्या बोला गया है, कुछ आपको टैग्स असाइन करने हैं। ठीक है, आप मान लीजिए शॉपकीपर हैं और आपको कुछ लेबल करना है टैग, तो वो टैग जो है आपको मिनिमम कितने टैग यूज करना पड़ेगा आपको वो बताना है। ठीक है, अब ये टैग क्या है, अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा बस। अब देखिए, जैसे ये ए वन है, ए वन कैंडी को आप कुछ पैकेट्स में बांटेंगे। ठीक है, ए वन कैंडी को कुछ आप पैकेट्स में बांट दीजिए, मान लीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ, इस ए वन जो आप पैकेट बांटे, मान लीजिए ये एक्स एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, ठीक है, और इस तरह से ए टू को भी आपने कुछ पैकेट्स में बांट दिया, जो है एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स, मान लीजिए इस तरह से ए थ्री को भी बांट दिया। इस तरह से आप पैकेट्स में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट हाँ, आप जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके बाद जो ये एक्स वन है, ये सभी ये सेम पैकेट्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अलग अलग पैकेट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मतलब जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सेम नंबर आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, इतने का एक्स वन का, तो एक्स वन इंटू, यहां पे सॉरी, ये इसको भी एक्स वन मान लीजिए क्योंकि सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको। ठीक है, तो एक्स वन इंटू इसका कॉस्ट हो जाएगा बी वन, इसका हो जाएगा एक्स वन बी वन, तो मतलब इसका हर एक पैकेट का कॉस्ट कितना हो जाने वाला है, एक्स वन बी वन। ठीक है, तो इस तरह से इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये सभी एक्स टू है, ठीक है, तो एक्स टू इंटू बी टू इसका कॉस्ट हो जाएगा हर एक पैकेट का, तो इसके हर एक पैकेट का कॉस्ट ये हो गया, ये इसको मान लीजिए सी टू है ये, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई एक्स वन सी वन है ये। अब अगर ये सी वन और ये सी टू, मतलब ये जो आपके पैकेट्स थे, ठीक है, ये पैकेट, कुछ पैकेट्स ए वन के हुए थे, कुछ बी वन के हुए थे, अगर इनका कॉस्ट जो है अब सेम होने वाला है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो इनको एक लेबल कर सकते हैं आप। ठीक है, इनको कंबाइन करके एक लेबल में एक टैग यूज कर सकते हैं और उसको बता देंगे कि यार प्राइस इसकी कितनी है, जो भी इसकी प्राइस, मान लीजिए सी वन इक्वल टू अगर सी टू है तो सी वन आप उसकी प्राइस कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो देखिए टैग आपका मिनिमम यूज होगा, क्योंकि अगर ए वन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बहुत सारे पैकेट्स में बांट रहे हैं और हर पैकेट का कॉस्ट ए टू के पैकेट्स के कॉस्ट के बराबर है, और इसलिए आपको यहाँ पे एक टैग यूज करना पड़ रहा है। अब आप कोशिश करेंगे कि ए थ्री को भी कुछ ऐसा बांटा जाए, कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि जो इसका कॉस्ट है, इसका पीछे वाले का, उसका कॉस्ट, इसका कॉस्ट सेम हो जाए, ताकि आपको टैग कम यूज करना पड़ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा आपको, और क्या करना है, ऐसा नहीं कर सकते ए वन कैंडी को आप उठा के यहाँ पे ए टू के, ए थ्री के साथ रखेंगे और ए टू को यहाँ आगे कर देंगे, आपको ऑर्डर मेंटेन करना है, ये कॉन्टेस्ट में ये बोल दिया गया था। ठीक है, आपको ऑर्डर मेंटेन करना है। तो अब ये देखिए, इसका मतलब आप जब आईएथ कैंडी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आईएथ को मान लीजिए कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आई प्लस वन जब आएगा तो आई प्लस वन को आपको इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, आईएथ कैंडी को आप जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो आई प्लस वनथ कैंडी को, ठीक है, जो भी है उस टाइप के, उसको भी इसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि जो इसके पैकेट्स का जो भी कॉस्ट आया था सीवन सीवन सीवन, तो इसके भी पैकेट्स का कॉस्ट आ जाए सीवन। आपको कुछ ऐसा ट्राई करना है। अब ट्राई, अगर मान लीजिए दोनों का कॉस्ट सेम हो जाता है, ठीक है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट ऐसा कर पा रहे हैं कि इसके सभी पैकेट्स का जो कॉस्ट है सीवन है, तो आपका आंसर तो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि आपको इतना ही टैग यूज करना पड़ रहा है, जो भी टैग पीछे आप जितने नंबर आप टैग यूज कर रहे थे उस टैग को यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मान लीजिए इसका कॉस्ट आप सीवन बना ही नहीं सकते, सी टू बना देंगे, ठीक
ठीक है, इसका कॉस्ट C1 बढ़ा नहीं सकते। तो अब यहां तक एक टैग है, अब दूसरा टैग आपको यहां यूज करना पड़ेगा इस प्राइस के लिए। तो अब देख रहे हैं आप क्लियरली कि ये प्रॉब्लम कैसे ग्रीडी है। ग्रीडी मतलब मींस क्या है कि आप यहां तक आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके लिए जब आ रहे हैं तो अगर देख ले रहे हैं कि अगर कैलकुलेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो चल रहे हैं काउंट आंसर बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है हमारा कि आईएथ पोजिशन पे अगर है, आईएथ तक आंसर आपको कैलकुलेट है तो उसी को कहते हैं हम ग्रीडी चल रहा है। ठीक, तो अब ये देखते हैं कैसे होगा। मान लीजिए अब हम A1 और A2 का एक बार हम लेके देख के ट्राई करते हैं आपको, ठीक है। A1 और A2, अब इसके एक कैंडी का कॉस्ट कितना है B1, इसके एक कैंडी का कॉस्ट कितना है B2, ठीक है। तो अब मान लीजिए तो इसके टोटल कैंडी का जो कॉस्ट है, मान लीजिए वो कॉस्ट को हम ऐसे दिखा रहे हैं, इतना बड़ा कॉस्ट है, और ये जो कॉस्ट है वो कितना होने वाला है A1 × B1, ठीक है। ये टोटल कैंडी का, उस टाइप की कैंडी का कॉस्ट हो गया। अब इसको देखें तो ये कितना होने वाला है, ये A2 × B2 इसका कॉस्ट होने वाला है। ये मान लीजिए कॉस्ट है, ठीक है, ये जो भी हम दिखा रहे हैं ये समझ लीजिए कॉस्ट है, ठीक है, ये इतना पूरा लेंथ इसको कॉस्ट हम मान रहे हैं, ये भी कॉस्ट है। अब क्या हो रहा है कि अगर आपको, अब क्या होगा कि आप कुछ पैकेट्स बांटेंगे, ठीक है, पैकेट्स बांटेंगे। अब ये पैकेट क्या हो, ये इसके पैकेट का, हर एक पैकेट का कॉस्ट इसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कोशिश यही करना है कि इसका कॉस्ट इक्वल हो जाए। तो मतलब इसका हर एक पैकेट का, मान लीजिए जो आप पैकेट बनाएंगे, ठीक है, वो पैकेट कुछ इस तरह से बन रहा है, यहां से 3 पैकेट मान लीजिए बना दिए, यहां इसमें मान लीजिए लेट्स एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है, यहां पे आपने 4 पैकेट बना दिया। अब इसका कॉस्ट मान लीजिए, हर एक पैकेट का कॉस्ट C1 है, और अगर आपको इसका कॉस्ट, मान लीजिए ये जो कॉस्ट आया था A1 × B1 और A2 × B2, अगर इसका कॉस्ट और इसका कॉस्ट अगर सेम आप करना चाहते हैं, ठीक है, सेम करना चाहते हैं, अगर इसका कॉस्ट मान लीजिए कोई एक्स है और इसका कॉस्ट भी मान लेते हैं एक्स है, अगर ये दोनों तभी सेम होंगे जब ये दोनों A1 × B1 और A2 × B2 इन दोनों में कॉमन हो, ठीक है। कॉमन मीन्स कि एक ऐसे नंबर से A1 × B1 भी डिवाइड हो जा रहा है और A2 × B2 भी डिवाइड हो जा रहा है, मतलब कॉमन है इन दोनों में, ठीक है। अब वो नंबर x हो सकता है, ठीक है, x हो सकता है। अब कोई हमें x निकालने चले, तो x अगर जब निकालेंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारा ये जो बन रहा है A3 × B3, अब अगर हम मान लीजिए कोई x बहुत छोटा नंबर देख ले रहे हैं कि जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ये x है हमारा। तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि अगर ये x है, मान लीजिए यहां पे 15 था और यहां पे कितना था, मान लीजिए 30 था, अब इन दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड 3 कर रहा है, तो हम 3 3 के साइज में, 3 3 के कॉस्ट में हम पैकेट बना सकते हैं, ठीक है, 3 3 के जब पैकेट्स हमारे बन जाएंगे। बट मान लीजिए इसका जो कॉस्ट है वो 10 था, तो इसका पैकेट कितना कितना बनेगा, 5 का बनेगा, 5 का बनेगा। तो आपने इस 3 को और इस 5 के चक्कर में अब ये दोनों पैकेट सेम नहीं बन पाएगा, मतलब अब इसके लिए आपको नया टैग यूज करना पड़ता। बट अगर आप यहां पे जब ये 15 था तो आप अगर 5 5 का पैकेट यूज किए होते और इस 30 को आप अगर 5 5 का पैकेट यूज किए होते तो यहां पे भी 10 को 5 5 का यूज हो जाता और टैग आपका मिनिमम होता। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि इस A1 × B1 × A2 × B2, ठीक है, इन दोनों का वो कौन सा नंबर है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है, मतलब अब इसको कैसे करेंगे हम, जीसीडी। जीसीडी हो क्या है, जीसीडी ये बता देगा कि इसमें और इसमें जितने सारे नंबर्स कॉमन है उनका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, तो वो बता देगा हमारा जीसीडी। अब इससे क्या होगा, 15 और 30 15 30 का जीसीडी कितना है, 15, तो इसका मतलब 3 और 5 दोनों कॉमन है, ठीक है। आप इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं 3 3 के कॉस्ट में और इसको 5 5 के भी कॉस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब आगे के लिए 3 और 5 दोनों हमारे पास आंसर अवेलेबल होंगे। तो हमें क्या करना है, A1 × B1 और A2 × B2, अगर हम दो का ले रहे हैं, इन दोनों को हमें क्या करना है, जीसीडी लेना है, ठीक है, जीसीडी लेना है। अब मान लीजिए जीसीडी लेके आप समझ गए कि यार ये दो पैकेट्स थे, ठीक है, इन दोनों कॉस्ट था, तो ये मान लीजिए इन दोनों का जीसीडी है, ठीक है, ये एक्स नंबर, इन दोनों का जीसीडी मान लीजिए एक्स आ रहा है, ठीक है, तो एक्स एक्स एक्स, ठीक है, इनका भी ऐसे मान लीजिए ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे 4x, यहाँ पे 3x। अब इससे क्या पता चलेगा आपको, 3x है और 4x है, तो इसका मतलब, अब एक बात बताइए, अब ये जो भी x है, ठीक है, अब ये क्या कॉस्ट, एक कैंडी का कॉस्ट कितना था, B1, तो
तो क्या ये इसका मतलब ये कुछ मल्टीपल कैंडीज होंगी, तो मतलब शायद B1 मतलब दो कैंडी हो, तीन कैंडी हो, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। बट इसका टोटल कॉस्ट मान लीजिए एक्स है और इसका भी एक्स है। तो लेकिन अगर ये कुछ मल्टीपल कैंडीज है, मतलब कि A1 का ही कुछ मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका मतलब इस B1 से क्या ये डिवाइड होगा, ठीक है, B1 से डिवाइड होगा। और अगर ये दोनों का जीसीडी है, इसका भी है इसका भी है, तो क्या ये वाला चीज B2 से, ये वाला x है यहाँ B2 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब जो भी जीसीडी आया था, जीसीडी x है, तो ये जीसीडी क्या B1 से भी डिवाइड होगा और B2 से भी डिवाइड होगा। तो A1 से अगर x कोई नंबर है, ठीक है, x अगर कोई नंबर है, अगर वो A1 से भी डिवाइड, सॉरी B1 से भी डिवाइड हो रहा है और B2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो एलसीएम ऑफ B1, B2 से डिवाइड हो, ठीक है। तो बस यही था कि आपको जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे है, तो आप यहां से पहले इसको स्टोर कर लीजिएगा, इनिशियलाइज आंसर कर लीजिए, फिर यहां पे पहुंचेंगे तो इसका अब जो भी आंसर आया, यहां तक आप जीसीडी निकाले थे उसका जीसीडी इसके साथ निकालेंगे, इसके A2 × B2 के साथ जीसीडी निकालेंगे, और इसका जो भी एलसीएम आया था उसको B2 के एलसीएम के साथ निकालेंगे। अगर ये इसका जीसीडी, जीसीडी इसका अगर एलसीएम से इसके डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यहां तक का, तो इसका मतलब आपको आंसर अपडेट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर यहां तक पहुंचे और इसका जो जीसीडी आया था वो इसके एलसीएम को इक्वल मतलब डिवाइड नहीं कर पा रहा है, उसको एलसीएम डिवाइड नहीं कर पा रहा उसको, इसका मतलब आपको आंसर प्लस प्लस करने की जरूरत है। आंसर वहां अपडेट कर लीजिए और यहाँ पे जो जीसीडी नया जो बन जाएगा आपका जीसीडी, वो बन जाएगा A2 × B2, और आपका जो नया एलसीएम बन जाएगा वो बन जाएगा B2, ठीक है। तो इसका कोड देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। इसका कोड देखिए, बस आपने क्या कर लिया, AN और BN को ले लिया इनपुट, और फिर उसके बाद जीसीडी इनिशियलाइज आपने कर दिया A0 B0 से, और एलसीएम B0 से आपने इनिशियलाइज कर दिया, फिर आंसर को 1 कर दिया। अब फिर सेकंड एलिमेंट से, मतलब जीरो बेस इंडेक्सिंग था, तो सेकंड एलिमेंट से आपने स्टार्ट किया AI × BI किया। अब इसका एलसीएम आपको क्या करना है, इसका जीसीडी लेना है किसके साथ, जो भी आपका जो पुराना जीसीडी है, ठीक है, मान लीजिए GCD1 है। GCD1 मेरा क्या है कि GCD1 और LCM1 ये हमारे दो फंक्शंस है, ठीक है, ये GCD1 और ये LCM1, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, GCD1 और GCD LCM1 ये हमारे फंक्शंस हैं, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे B1 हो गया, अब यहाँ पे GCD निकाल लीजिए, GCD X, और जो पुराना जीसीडी जब आपका जो जहां तक मतलब I-1 तक जितना भी जीसीडी था वो, उन दोनों का जीसीडी निकाल दीजिए। तो इसको अपडेट कर लीजिए जीसीडी से, और इस तरह से एलसीएम भी निकाल लीजिए, एलसीएम पुराना एलसीएम और जो भी इसका BI था उस समय उसका, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। और इस जीसीडी को, ये एलसीएम क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आंसर अपडेट कर दीजिए, और जीसीडी और एलसीएम भी आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो बस आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में, थैंक यू।